हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत बहुत स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते होंगे, और पसंद आते हो तो कमेंट ज़रूर कर दिया करें। दोस्तों, यहाँ पर जहाँ से काम एंड हुए थे वहीं से स्टार्ट हुए हैं, तो फिर मैंने मतलब झाड़ू लगा के यहाँ पर मैं शाम की खाने की तैयारी कर रही हूँ। और ये मैं व्रत थी उसी दिन का ब्लॉग है। तो यहाँ पर दोस्तों ये संडे का ही है, यहाँ पर मैं भिंडियाँ बनाने जा रही हूँ। तो शाम के टाइम भिंडी रोटी बनाऊँगी, भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। तो यहाँ पर भिंडी को काट लेते हैं, और साथ में मेरी बेटी को बहुत ही अच्छा लगता है काम करवाने में, मतलब काम करवाती है वो। और यहाँ पर हमने भिंडियों को काट लिया है और प्याज भी कट कर लिया है, क्योंकि कट करके रख ली थी और भिंडी पहले ही धुल ली थी। और यहाँ पर प्याज को डालूंगी, तो बिना हल्दी की भिंडी अच्छी लगती हैं, तो वही बनाऊंगी। तो यहाँ पर भिंडी की सब्ज़ी बनाऊंगी और रोटियाँ बनाऊंगी, चावल नहीं बनाऊंगी। तो अभी मुझे खाना बनाना, उसके बाद मतलब शाम की पूजा करूंगी। तो आप सभी को मैंने पहले भी बताया था कि मैं दो बार पूजा करती हूँ इस व्रत में, सुबह और शाम को होती है। यहाँ पर भिंडी मतलब तेल डाल दिया था, और डाल दी है मेथी, और मेथी दाने अच्छे लगते हैं भिंडी में। और यहाँ पर हींग डालूंगी, तो हींग तो मैं सभी में यूज़ करती हूँ, और भिंडियों में वैसे भी डालनी चाहिए। उसके बाद मैंने आटा लगा दिया था और ढकना भूल गई थी, तो फिर मैंने बाद में ढक दिया था। और इस टाइम मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि आटा लगाने के बाद तुरंत ढक देना चाहिए। तो फिर मुझे याद आ गया, तो फिर मैंने प्लेट ढक दी थी। वैसे एक कपड़ा जो रुमाल वगैरह बना लो तो आटा उससे अच्छा रहता है, मतलब जो आटा इस टाइम ऐसा हो जाता है, अगर 5-10 मिनट खुला रख दो तो फिर पपड़ी टाइप की बन जाती है। उससे क्या है, रोटियां नहीं अच्छी बनती हैं। तो हमेशा हल्का सा गीला कपड़ा या ले लेना चाहिए, उससे आटा ढकना चाहिए। तो फिर मैंने आटा को रख दिया था और अलग, और इसके ऊपर प्लेट रख दी थी। तो यहाँ पर सब्ज़ी बना लेती हूँ, सिंपल ही सब्ज़ी बनाऊँगी। वैसे खट्टी वाली भिंडी भी अच्छी लगती है दाल के साथ। तो इन्होंने बोला था, मतलब हमारे हस्बैंड जी ने, कि सिंपल ही बनाना बिना हल्दी वाली। तो फिर मैंने कहा ठीक है। और मुझे बहुत ज़्यादा भिंडी नहीं पसंद है, और थोड़ी बहुत खा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं अच्छी लगती हैं। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, यहाँ पर प्याज फ्राई हो गया था, मेथी दाना भी अच्छे से चटक गए थे। और इसके बाद डाल दूँगी नमक और मिर्च। मैंने वो हाथ वाली जो मशीन होती है जिससे प्याज वगैरह ग्रेट किया जाता है, तो उससे मैंने, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने मिर्च सूखी, इस टाइम मिर्च वैसे भी सूख जाती है, तो फिर मैंने उसी से हल्की दरदरी सी कर ली थी। क्योंकि उस टाइम जब मैं सब्ज़ी बना रही थी तब लाइट नहीं थी, वैसे तोरई हो या भिंडी की सब्ज़ी, उसमें दरदरी वाली जो मिर्च होती है जिसे चिल्ली फ्लेक्स भी कहते हैं, तो वही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने कूट के डाल दी थी, और तब तक हम इधर रोटियाँ भी बना लेंगे। और यहाँ पर सब्ज़ी बन रही है हमारी, तो ज़्यादा रोटियाँ भी नहीं बनाती हूँ। शाम के टाइम वैसे भी सभी कम खाते हैं, और आज तो मेरा फास्ट था, तो बस थोड़ी सी रोटियाँ बना ली थी, और बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से चावल रखे थे दोपहर के। फिर मैंने चावल नहीं बनाए थे, क्योंकि चावल अगर दो बार बनाओ फिर बासी बच जाते हैं, और अगर सुबह बनाती हूँ तो शाम को चावल नहीं बनाती, रोटियाँ ही बना लेती हूँ, क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा फिर वेस्ट हो जाता है, तो फिर इसीलिए हिसाब से बनाती हूँ देख के। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बना लेते हैं रोटियाँ।
और दोस्तों मैं इस बार से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्त अपने जीवन में यूं ही तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें। बस मेरी यही प्रार्थना है सभी के लिए। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो दोस्त हमारे चैनल पे न्यू आते हैं प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपनी फ्रेंडशिप में और रिलेशनशिप में। तो प्लीज़ आप लोग मुझे भी सपोर्ट कीजिए। और रोटियां बनाते बनाते स्लो आंच पर हमारी सब्जी भी अच्छे से पक चुकी थी, और जब नई नई सब्जी आती है तो अच्छी लगती है सभी को। तो यहाँ पर ये वाली भिंडियां बहुत ही अच्छी लगती हैं दाल के साथ और गर्मा गर्म रोटियों के साथ। तो इधर हमने रोटियां भी बना ली थी, और उसके बाद फिर मैंने साफ़ सफाई वगैरह कर ली थी, और बाद में फिर हम 6 बजे या 6:30 बजे के टाइम नहाए थे, और नहाने के बाद फिर मैंने पूजा की तैयारी कर ली थी। तो यहाँ पर मावर भी लगा लेती हूँ, क्योंकि संडे को कभी कभी व्रत वगैरह होता है तो लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मावर लगाने लगी हूँ। पर ये भी आ गई हैं कि मेरे भी लगा दो मावर, और इन्होंने देख लिया आप लोग चप्पल उतार दी हैं, मतलब अपनी स्लीपर, और कह रही हैं लगाओ। तो फिर मैंने लगा दिया था इनके, और बहुत ज़्यादा साफ सफाई का विशेष ध्यान देती हैं, अगर पानी वगैरह लग जाता है फिर रोने लगती हैं कि मम्मा अच्छी लग गई। और यहाँ पर अंगूर केले भी मंगाए थे, तो केला तो सारे फिनिश कर दिए हैं सभी ने, हमने भी एक दो खा लिए थे। बाकी हमारी बेटी को फ्रूट्स वगैरह बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो इस टाइम इनको जुखाम है फिर भी ये अंगूर खाती हैं, बहुत ही मना करती हैं लेकिन नहीं मानती हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ कितने बंदर हैं, दोपहर का टाइम है फिर भी बहुत सारे बंदर हैं। और दोस्तों आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।